एक्सपेरिमेंट आर्किटेक्चर भी आर्किटेक्ट थे वो, पेंटर थे, स्कल्प्टर थे, साइंटिस्ट थे, सब कुछ थे. क्यों? क्योंकि दे हैव लस्ट फॉर नॉलेज, फायर टू नो समथिंग. और ये ही चीज़ हमें आज आर्टिस्ट आर्किटेक्ट क्राफ्ट्समैन में होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, हमेशा रिसेप्टिव हों, सेंसिटिव हों. नमस्कार, मैं पूर्णिमा कॉल सिटी लाइव डायलॉग सेशन में आज हम लोग चर्चा करेंगे नर्चरिंग क्रिएटिविटी पे, द यूज़ ऑफ क्रिएटिविटी इन टू डिज़ाइन आर्किटेक्चर एंड सोशल लाइफ के हर कॉन्सेप्ट में डिज़ाइन का जो यूज़ है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे. और इस सेशन में हमारे साथ हैं श्री भवानी शंकर शर्मा, कलाविद, एक जाना पहचाना नाम कला जगत में. आप बनस्थली विद्यापीठ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रह चुके हैं और उसके बाद ही वॉज द प्राउड चेयरमैन ऑफ द ललित कला अकेडमी ऑफ राजस्थान. और इस नर्चरिंग क्रिएटिविटी के इस सेशन को आप संभाल रहे हैं. और इसी सेशन में हमारे साथ हैं डॉक्टर काजल ठाकुरिया. शी इज़ द एसोसिएट प्रोफेसर इन VIT ऑफ द डिज़ाइन डिपार्टमेंट. तो आज के सेशन को मॉडरेट करेंगी डॉक्टर काजल ठाकुरिया. Have with us a very renowned artist, Professor Bhawani Shankar Sharma ji. He has his mastery in fresco technique, paintings, print makings, and also has ability to convert scrap into art forms, right? So we have Mr. Bhawani Shankar ji with us. He has such kind of ability to tie all of you with him. आज जब हम भवानी शंकर जी से इंटरेक्ट करेंगे तो आप लोग भी अपने अपने क्वेश्चंस, अपनी अपनी क्वेरीज इनके साथ पूछ सकते हैं. ही हैज़ डन मैनी ग्रुप शोज, सोलो शोज, एंड वी कैन विटनेस हिज वर्क इन डिफरेंट इन वेरियस आर्ट गैलरीज वर्ल्ड वाइड. सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ. आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी, Department of Architecture and Design, Center of Design Excellence. And here our students are keen to hear from you, your stories, your art journey, and want to listen about your work. Father, kyunki shuru se hi painting karte rahe, art ki different activities organize karte rahe, to usse mujhe hamesha inspiration milta raha aur bahut excitement rehta tha kuch na kuch karne ka. 7 साल की उम्र में दिल्ली में ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी में फादर प्रोफेसर देवीनंद शर्मा, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ की थी एक एग्जीबिशन जिसमें स्टूडेंट्स, स्टाफ सभी का शो था, बहुत बड़ा शो था. तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई काम की, जो कि वहाँ एग्जीबिट हुआ तो बहुत अच्छा लगा. मेरे साथ पढ़ने वाले जो दूसरे स्टूडेंट्स थे उनका भी हुआ, तो ये एक बहुत एक तरह का एक्साइटिंग और स्टिमुलेटिंग इवेंट था. उसके बाद तो रेगुलर मेरा पेंटिंग से नाता रहा, पेंटिंग में करता रहा, फादर के साथ बैठकर उनके रंगों का यूज़ करता था और बहुत अच्छे विंसेंट न्यूटन के अच्छी अच्छी क्वालिटी के ब्रशेज थे, कलर्स थे. तो ये सारी चीज़ें बहुत एक्साइटिंग थी और बहुत प्लीजिंग थी, बहुत इन्जॉयमेंट मुझे उसमें मिलता है. और सबसे बड़ी एडवांटेज ये भी थी कि फादर के वजह से, पिताजी की वजह से, विनोद बिहारी मुखर्जी जो कि बहुत रिनाउंड आर्टिस्ट थे, शांति निकेतन के प्रिंसिपल रहे, जिन पे सत्यजीत रॉय ने एक फिल्म बनाई थी द इनर आई, वो ब्लाइंड होने के बाद भी काम करते रहे. और वो जब ब्लाइंड हो गए तो फादर ने अपने पास बुला के बनस्थली में उनको 1 साल रखा और ज़्यादा ज़्यादा समय मैं उनको उनके साथ रहता था, उनको अटेंड करता था. तो वो मेरा बहुत मतलब कहना चाहिए कि एक्साइटिंग और स्टिमुलेटिंग स्थिति थी. और उनको, उनकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि
क्ले में उन्होंने काम किया, पेंटिंग में किए, ड्राइंग्स की, और ये सब चीज़ें ब्लाइंड होने के बाद भी, तो मुझे ये लगा कि ये जो है सब्जेक्ट जो है फाइन आर्ट्स, वो उसी में मुझे जाना है। स्कूल एजुकेशन की जब बात हुई, स्कूल के अंदर जब पेंटिंग सब्जेक्ट लिया तो बनस्थली के स्टूडेंट जनरली साइंस मैथमेटिक्स सब इंजीनियर बनना चाहते थे या डॉक्टर बनना चाहते थे। टीचर ने भी पूछा कि भई ऐसा क्यों, फिर उनको जब मालूम पड़ा कि इनके फादर भी आर्टिस्ट हैं, और हमने और फादर ने उनको बताया कि भई देखो जो पेंटिंग है, ये जो वर्क ऑफ आर्ट है, डिज़ाइन है, क्राफ्ट है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये भी हमको उतना ही ऊंचा ले जा सकती हैं जितना कि किसी दूसरे फील्ड के अंदर। और बाई चांस ऐसे हमारे साथ के काफ़ी क्लासमेट्स थे जो कि मैथमेटिक्स और साइंस लेकर या मेडिकल में जाने की उनकी इच्छा रही, लेकिन बहुत कम जा पाए, और बाद में अब जब वो मिलते हैं तो वो कहता रहे भाई तुमने तो खूब नाम कमाया, तुमने तो खूब मतलब सक्सेसफुल रहे, पूरे दुनिया में घूमे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मेरे को मिली किससे, अपने पेरेंट्स से, फादर से। और हमारी मदर जो थी वो भी बहुत क्रिएटिव थी और हमेशा हमको इंस्पायर करती थी, हमेशा स्टिमुलेट करती थी, मांडने वगैरह बनाती थी। तो मांडने जो मैं भी मांडने का जिक्र कर रहा हूँ, और यहाँ पर आप यहाँ पर टाइटल भी देख रहे होंगे, आर्ट क्राफ्ट डिज़ाइन और आर्किटेक्चर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जो कि हमारे जीवन में एक एस्थेटिक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं, और कहना चाहिए एक हमको दूसरी दुनिया में ले जाते हैं जो कि आनंददायक होती है। तो मैं जब बात कर रहा था डिज़ाइन की, आर्किटेक्चर की और आर्ट की, तो मैं आपको एक बहुत अपनी यात्रा का और अपने रिसर्च का की जानकारी देता हूँ कि मैंने करीबन 40-50 साल राजस्थान के फोक आर्ट का स्टडी किया, खासतौर से सवाई माधोपुर और टोंक डिस्ट्रिक्ट का, उस पर ही मैंने रिसर्च भी किया। तो वहाँ जब मैं गांव में गया तो गांव में मैंने देखा कच्चे मकान, उन कच्चे मकानों की जो आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि जो बॉर्डर जहाँ की अपना ये जिस पे हम बैठे हैं ये सरफेस और दीवार, ये जब मिलते हैं तो एक हार्ड लाइन दिखाई देती है। आपको गांव के अंदर कभी भी ऐसी हार्ड लाइन दिखाई नहीं देगी, वो एक ब्रश के एक स्ट्रोक लगाते हैं और उस स्ट्रोक के ऊपर फिर कुछ अलंकरण करते हैं, कुछ डेकोरेटिव फॉर्म्स करते हैं। दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं गांव जिन वाले जिनको कि हम कहते हैं इनको तो ये तो गंवा रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता, लेकिन एस्थेटिकली दे आर वेरी रिच, वेरी रिच, एंड हाउ दे इंस्पायर फ्रॉम नेचर एंड हाउ दे ट्रांसफॉर्म नेचर इनटू वर्क ऑफ आर्ट, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि पगलिया पैर फुटप्रिंट है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन करके वो जब उसकी इमेजेस बनाएंगे, या एक हीड़ जो कि दिया जैसा होता है जो कि पूजा में हम हमेशा लेते हैं, उसको उन्होंने डिफरेंट एंगल से, टॉप एंगल से, साइड एंगल से, फ्रंट एंगल से, सबको स्टडी करके फिर सिंप्लीफाई किया। उस डिज़ाइन को देखकर अगर आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन की जानकारी नहीं है तो आप पहचान नहीं सकते कि ये हीड़ है या ये पगलिया है, पैर फुटप्रिंट है। तो ये उनकी कहना चाहिए वर्क ऑफ आर्ट की या क्राफ्ट की, या कहना चाहिए कि एस्थेटिकली हाउ मच दे आर रिच। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत इंस्पायरिंग हैं। और जो क्राफ्ट और आर्ट की बात होती है तो डिज़ाइन है, डिज़ाइन और क्राफ्ट जो हैं दे आर रिलेटेड विद द अवर मेटेरियलिस्टिक नीड, हमारी जो दैनिक जीवन की जो आवश्यकता है उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम डिज़ाइन की और क्राफ्ट की मदद लेते हैं। जब क्राफ्ट में, क्राफ्ट इज़ रिलेटेड मोर विद द स्किल एंड यूटिलिटी, मटेरियल को समझते हैं और उसमें अच्छा से अच्छा कुछ करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम वर्क ऑफ आर्ट की बात करते हैं तो आर्ट जो है वो उसी से आगे का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, और जब उसमें हम एस्थेटिकली और एनरिच करते हैं तब वो वर्क ऑफ आर्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। आर्किटेक्चर जो मैंने अभी गाँव की बात की, तो मकान, उनके मकान आप देखें, मकान के अंदर इंटीरियर देखें, अगर चूल्हा रखा है तो चूल्हे को भी वो डेकोरेट करते हैं, उसको भी आप देखेंगे तो मारने से वो उसको इतना ब्यूटीफाई करते हैं। जहाँ जानवर गाँव में बंधे रहते हैं तो उन जानवरों के रहने की जो जगह है वहाँ भी आपको मारने दिखाई देंगे। एक आला है, उस आले को भी किस तरह से वो डेकोरेटिवली ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक इंटरेस्टिंग फॉर्म के अंदर। सबसे बड़ी स्पेशल चीज़ जो मारने की है वो क्या है कि फ्लोर पर जब वो बनाते हैं तो वो फ्लोर पे इस कमरे में पूरा वो बिछायत की तरह वो मांडना बन सकता है, और इस दरवाजे के बाहर जा सकता है, दरवाजे के बाहर जो स्पेस है उसको भी कन्वर्ट कर सकता है डेकोरेटिव फॉर्म में। जो रिच पीपल हैं, जो पैसे वाले हैं, राजा महाराजाओं की जब हम बात करते हैं, तो वो सब लोग क्या करते थे, वो प्रेशियस चीज़ों का यूज़ करते थे, लेकिन ये केवल हाथ
से, मांडनों से, अपने उंगली से इस तरह की डिज़ाइन करते हैं जो कि वो एक बहुत सुंदर कालीन का रूप ले लेती है। तो ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आर्किटेक्चर, आर्ट और क्राफ्ट ये कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, और जो हमारी जो कल्चर है, हमारे जो विलेजेस हैं, हमारे जो फोक आर्ट है, वो हमारे को एक कहना चाहिए कल्चरल इंसाइट देता है जिससे कि हम आगे ग्रो कर सकें और हमेशा पॉजिटिव और क्रिएटिव एटीट्यूड रखें। सर, अब हम आपकी कुछ फ्रेस्को टेक्निक के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें आपने काफ़ी काम किया है और जिसको आपने काफ़ी एक्सप्लोर किया है, जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स भी जान सके कि आखिर फ्रेस्को टेक्निक होती क्या है। फ्रेस्को मीन्स वर्किंग ऑन फ्रेश वॉल, इटालियन वर्ड था जिससे जो कि फ्रेश से फ्रेस्को बना। तो फ्रेश वॉल पे जब काम करते हैं उसे ही हम फ्रेस्को कहते हैं। इटालियन फ्रेस्को और इंडियन फ्रेस्को, जो जयपुर फ्रेस्को जो है, उसमें कुछ फ़र्क है। इटालियन फ्रेस्को जब ख़त्म हो जाता है तो उससे एक स्टेज और आगे हम जाते हैं, तब जयपुर फ्रेस्को बनता है। और इटालियन फ्रेस्को होता है उसका जो सरफेस होता है वो मैट होता है, जयपुर फ्रेस्को जो है उसका सरफेस जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, मार्बल का सब्स्टिट्यूट की तरह होता है। और इसके अंदर जो है हम स्टोन और अर्थ कलर्स यूज़ करते हैं। स्टोन और अर्थ कलर्स जो हैं उनकी परमानेंसी अधिक होती है और वही लाइम के साथ जा सकते हैं। मार्बल पाउडर और लाइम इसको मिक्स करके ईंटों की दीवार पर या पत्थर की दीवार पर हम फ्रेस्को बना सकते हैं। उसके लिए प्लास्टर लगाते हैं और प्लास्टर जो बना हुआ होता है वो रिवर सैंड और लाइम से जो उसकी फर्स्ट स्टेज होती है, और उसके बाद जो फाइनल ग्राउंड होता है उसमें मार्बल पाउडर और लाइम दोनों मिला के उसकी दो तीन लेयर्स बनाई जाती हैं, और वो जब गीला रहता है तभी काम किया जाता है। और फिर उस पर कलरिंग वगैरह करके आप डिज़ाइन करके या जो कंपोजिशन बनाना चाहते हैं वो बना के, और उसके बाद आप उसको पॉलिश करते हैं और वो बिल्कुल मार्बल का सब्स्टिट्यूट होता है। आपको जानकारी होगी कि मार्बल से ही लाइम बनता है और मार्बल पाउडर ही हम लाइम और वो मिक्स करके, तो अगेन वी अचीव लाइक ए मार्बल। तो मार्बल जैसा ही वो सरफेस बन जाता है। और ट्रेडिशनली इसका यूज़ इसलिए होता था क्योंकि मार्बल के स्लैब्स हम पतले पतले नहीं काट सकते थे, ये गर्मी में ठंडा रहता है, पानी की जो टंकियों में अंदर इसको लगाते थे तो उससे क्या है कि पानी जो है प्योर रहता था, ठंडा रहता था, साफ़ सुथरा रहता था। और इसके साथ साथ वॉल पेंटिंग, डेकोरेशंस वगैरह के लिए इसका यूज़ हुआ। यस, तो हमारे स्टूडेंट्स ने जाना कि क्या फ्रेस्को टेक्निक बेसिकली होता क्या है, और इसमें जो मेन टेक्निक है वो कैसे इसमें सरफेस प्रिपरेशन किया जाता है और उसके यूजेस क्या थे। सर, इसके अलावा मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्यों आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स एंड डिज़ाइन स्टूडेंट्स को आर्ट पढ़ना ज़रूरी है, या आर्ट का उसमें क्या रोल होता है, क्यों इन्हें आर्ट के थ्रू ही गुजरना होता है डिज़ाइन और आर्किटेक्चर तक पहुँचने के लिए। देखिए, सबसे पहले मैंने बात की थी यूटिलिटी की, तो यूटिलिटी का पर्पस सॉल्व होता है आर्किटेक्चर से। तो चार दीवार बनाना, उसके ऊपर छत करना, यही आर्किटेक्चर नहीं है। और आपको जानकारी होगी कि मेडिवल टाइम में आर्किटेक्चर वाज ए मदर ऑफ ऑल आर्ट्स। तो जो आर्ट की जो डिफरेंट विधाएं हैं वो सब एक दूसरे में से इंटरलिंक्ड थी। तो आर्किटेक्चर को हम उस तरह से अलग नहीं देख सकते। और मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट था, मैं एक बार जब लंदन में था तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी म्यूज़ियम और गैलरी है, विक्टोरियन अल्बर्ट म्यूज़ियम, उसके अंदर उस ब्रिटिश आर्किटेक्ट की का रिट्रोस्पेक्टिव था। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत एक्साइटिंग था। क्या था कि वो बहुत, जो आर्किटेक्ट था बहुत स्केचेस करता था, बहुत ड्राइंग करता था, नेचर के अंदर कहना चाहिए उसको बहुत लगाव था नेचर से, और जो उसकी एक रिलेशनशिप थी नेचर से वो उसके वर्क के अंदर रिफ्लेक्ट होती थी। एग्जांपल देता हूँ कि ज़मीन पर रेंगने वाला जो कीड़ा होता है, जैसे कंछला जिसे बोलते हैं, इस तरह से मूव करता है, उसके छोटे छोटे पैर होते हैं, उसके उन्होंने बहुत स्केचेस किए थे। समुद्र के किनारे उन्होंने सीप के बहुत स्केचेस किए थे, तो सीप जो कि थोड़ी सी खुली है उस सीप के स्केचेस किए। ऐसे ही उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग स्केचेस की पूरी सीरीज थी। फिर उस सीप को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया बिल्डिंग के अंदर, उस जो इंसेक्ट था उसको कन्वर्ट कर दिया बिल्डिंग के अंदर, और एक बहुत सुंदर लाइब्रेरी की बिल्डिंग बनी। मैं जब वहाँ से आया तो मैंने आर्किटेक्चर के सारे स्टूडेंट्स को दिखाया
कि भाई आप नेचर से तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखते ही नहीं है। नेचर जो है वो बहुत स्टिमुलेटिंग है, बहुत क्रिएटिव फोर्स है, जो कि आपको आपकी क्रिएटिविटी है उसको स्टिमुलेट करेगी। उसी तरह से बहुत से दूसरे आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। मतलब हमारे यहाँ पर जो ट्रेडिशन था आर्किटेक्चर का, उसमें ये था कि जो सराउंडिंग के साथ बिल्डिंग जो है ग्रो करती थी, जैसे प्लांट्स ट्रीज ग्रो कर रहे हैं, उसी तरह से जो बिल्डिंग थी, आर्किटेक्चर था, वो भी ग्रो करता था। जैसे आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, यहाँ पे जो फोर्ट्स हैं तो पूरी सराउंडिंग में जो एरिया है उसके अंदर फोर्ट उसी का पार्ट लगता है, वो अलग से कोई बिल्डिंग नहीं लगती। लेकिन अभी जो मॉडर्न आर्किटेक्चर में इस तरह की प्रॉब्लम है, लेकिन धीरे धीरे इसको एक कहना चाहिए चैलेंज की तरह लिया, आर्किटेक्ट्स ने बहुत एक्सपेरिमेंटेशन किए। दूसरा मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि आप मान लीजिए मालविया नगर की तरफ आ रहे हैं जेकेके से, जेकेके से आप जब ब्रिज पे से नीचे उतरेंगे तो डब्ल्यूटी मतलब वर्ल्ड सेंटर, हाँ वर्ल्ड ट्रेड पार्क जो है उसको देखेंगे तो वहाँ पर ग्लास के बहुत बड़े बड़े विंडोज़ हैं, और उस ग्लास विंडोज़ की तरफ आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सी इमेजेस दिखाई देंगे, और जो इमेजेस बदलती रहती हैं। तो आर्किटेक्ट ने ये सोचना शुरू किया कि नेगेटिव जो फॉर्म है, पॉजिटिव फॉर्म विच ही इज़ क्रिएटिंग, नेगेटिव फॉर्म जो कि सराउंडिंग में है, वो उसका पार्ट बन जाता है, वो भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है। अनीश कपूर करके एक आर्टिस्ट स्कल्प्टर हुए हैं, अपने यहाँ के ही हैं लेकिन उन्होंने विदेशों में ही काफ़ी काम किया है। उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टील का स्ट्रक्चर बनाया, और वो स्टील का स्ट्रक्चर जो स्कल्पचर था उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट है, और पूरे एनवायरनमेंट के अंदर एक इंस्टॉलेशन है जिसको के रूप हमेशा बदलते रहते हैं। उसके मैंने 100 से ज़्यादा फोटोग्राफ्स मेरे पास हैं, उन फोटोग्राफ्स को देख हर फोटोग्राफ एक नई कहानी कहता है। मॉर्निंग के अंदर, आफ्टरनून के अंदर, इवनिंग के अंदर, पूरे समय में आप देखेंगे कि उसमें डिफरेंट इमेजेस और उसका रूप बदलता रहता है। इसी तरह और भी कई लोग हैं जिन्होंने सुबोध गुप्ता करके एक है, उसने जो हमारे रूटीन में जो बर्तन वगैरह हैं, स्टील के बर्तन वगैरह होते हैं, आर्किटेक्चर के साथ बाहर एक स्टील के बर्तनों को लेके एक पेड़ बना दिया। तो जो हम नेचर में या हमारे जो सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में, सोसाइटी में रोजाना जो चीज़ें देखते हैं उसको कैसे हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वर्क ऑफ आर्ट के अंदर, देन ही बिकम्स अ पार्ट ऑफ द आर्किटेक्चर। ऐसे ही एक और है आर्टिस्ट, उसने बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया, बिल्डिंग के नीचे शॉप्स हैं और शॉप्स के अंदर जो वो जो क्या बोलते हैं उसको जो उसका कवर जो करते हैं उसको बंद करने के लिए जो दरवाज़ा टाइप होता है शटर्स, तो शटर्स जो हैं उस पर उसने पेंट किया। तो शटर जब बंद है तब भी वो जगह है वो वर्क ऑफ आर्ट है, शटर जब खुल जाता है तो उसके ऊपर का पोर्शन जिसके अंदर कि वो शटर पूरा घुस जाता है उसके पर भी उसने पेंट किया है। तो आर्किटेक्चर और आर्ट ये एक दूसरे के साथ चलते हैं। आप विदेशों के अंदर देखें, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो विंसी, इन लोगों ने तो बहुत एक्सपेरिमेंट, आर्किटेक्चर भी आर्किटेक्ट थे, वो पेंटर थे, स्कल्प्टर थे, साइंटिस्ट थे, सब कुछ थे। क्यों? क्योंकि दे हैव लस्ट फॉर नॉलेज, फायर टू नो समथिंग, और ये ही चीज़ हमें आज आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट, क्राफ्ट्समैन में होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें, सीखने की कोशिश करें, हमेशा रिसेप्टिव हों, सेंसिटिव हों। तो चाहे स्कल्पचर, पेंटिंग, अभी इनके सबके जो वो जो कहना चाहिए बॉर्डर से वो ख़त्म हो गए, अब पेंटिंग जो है वो स्कल्पचर्स हो सकती है, रिलीफ हो सकता है उसके अंदर। मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हैं इस तरह के रिलीफ वर्क के, और डिफरेंट मीडियम्स हैं हमारे पास, आप ग्लास में काम कर सकते हैं, आप स्टील में काम कर सकते हैं, आप स्कल्पचर में के लिए वुड में काम कर सकते हैं, म्यूरल बना सकते हैं। तो म्यूरल जो कि एक दीवार का एक बहुत पार्ट हो जाता है, और वो मतलब दोनों पर्पज़ सोल्व करता है, एस्थेटिकली, डेकोरेटिवली भी, और साथ में बिल्डिंग का भी। मतलब जैसे पिलर है तो पिलर को भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक वर्क ऑफ आर्ट के अंदर, जैसा कि आप अजंता एलोरा के वगैरह स्कल्पचर्स देखें तो वो यहाँ सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। और भी आपका कोई प्रश्न होता है? सर, हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये तो हमें आपकी बात से खैर पता चला ही है कि कैसे आर्ट एक विज़न देता है आपको आगे बढ़ने के लिए, या अगर आप आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स हैं तो कैसे आप आर्ट के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, अब कैसे अपना आर्टिस्टिक विज़न उसमें
लेकर आ रहे हैं। इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ सर कि हमारे स्टूडेंट्स किस तरह प्रैक्टिसेस करें या किस तरह काम करें कि जो आर्किटेक्चर का काम वो जब कर रहे हैं तो उसमें उनका आर्टिस्टिक वर्क निकल कर आए और एक अच्छा इनपुट दे पाएँ वो लोग। मैं यहाँ पे आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर है उसकी जब शुरुआत हुई थी तब वहाँ के जो डायरेक्टर थे प्रोफेसर जोगलेकर, उन्होंने मुझे कहा कि आपको भी इसके साथ जुड़ना है और जो आर्ट एंड ग्राफिक्स है उसके थ्रू आप एस्थेटिक ओरिएंटेशन करें हमारे स्टूडेंट का। तो मैं बनस्थली से एक दिन वीक में ट्यूसडे को वहाँ आता था और उनका पूरे दिन भर उनसे पूरे वर्ल्ड आर्ट के बारे में बात करता था, क्राफ्ट के बारे में बात करता था, डिफरेंट मीडियम्स के बारे में बात करता था, नेचर से डिफरेंट आर्टिस्ट ने किस तरह इंस्पिरेशन लिया, कैसे उसको ट्रांसफॉर्म किया और किस तरह के अप्रोचेस को लेके वो काम करते हैं। एक बार वो वीक में दो तीन दिन आते थे, दिल्ली में रहते थे और वहाँ पे हुडको के डायरेक्टर थे, तो वो जब वहाँ आए और आके उन्होंने सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का काम देख रहे थे तो देख के उन्होंने काफ़ी उनसे बातचीत की, फिर उनको कुछ बोला कि ऐसा ऐसा करना है। फिर नेक्स्ट वीक में आए तो भी ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, फिर उन्होंने मेरे पास आए कि भाई आप प्लीज़ इनको देखिए और इनके वर्क में कुछ क्रिएटिव दिखना चाहिए और सबका वर्क एक जैसा ही लग रहा है तो इसमें कुछ नयापन आना चाहिए। तो मैं गया और स्टूडेंट से मैंने सबसे बातचीत की और मैंने उनसे कहा कि भाई वो एक फ्लैट को विजुलाइज कर रहे थे, मकान को, रेजिडेंस को, तो मैंने उनसे कहा कि भाई आप भूल जाओ कि आप एक रेजिडेंस बना रहे हो, आप ये सोचिए कि आप एक स्कल्पचर बना रहे हैं। तो स्कल्पचर के तरह से आप विजुलाइज करो फॉर्म को, और वो बात उनके समझ में आ गई और फिर उन्होंने उसको एज ए स्कल्पचर देखा और दे बिकम मोर फ्री। जब वो स्कल्पचर फॉर्म उनकी बन गई, थ्री डायमेंशनल फॉर्म उन्होंने विजुलाइज कर ली, तब उन्होंने जाके उसको ट्रांसफॉर्म किया बिल्डिंग के अंदर, मकान के अंदर। तो जब वो उनका देखा जोगलकर साहब ने, ही वॉज वेरी हैप्पी। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप नेचर को एक्सपीरियंस करिए, उसके स्केचेस करिए, ड्राइंग करिए, ऑब्जर्वेशन करिए, और जैसे मैंने ब्रिटिश आर्किटेक्ट का आपको एग्जांपल दिया कि कैसे वो नेचर की फॉर्म्स को ट्रांसफॉर्म कर देता है आर्किटेक्चर फॉर्म्स में। तो अब जैसे आप यहाँ पे जेके का है, बहुत फेमस है, लेकिन आपने कभी ये देखा नहीं होगा कि वो जेके के में इंस्पिरेशन किससे मिला। आपको मालूम है जेके के किसने बनाया? चार्ल्स कोरिया ने। चार्ल्स कोरिया को कहाँ से इंस्पिरेशन मिला? नो ग्रह से तो मिला, नो ग्रह तो एक आइडियोलॉजी, मतलब एक उसकी आइकोनोग्राफी। और बताइए कहाँ से, कौन सी बिल्डिंग थी जिससे? हाँ, जयपुर में कौन सी बिल्डिंग थी? देखिए जयपुर में आप जंतर मंतर में जाइए और जंतर मंतर में पीछे की साइड में, जंतर मंतर जाइए और देखिए पूरी बिल्डिंग को, उन सबको। फिर आप हवा महल में जाइए और हवा महल में पीछे से जहाँ से एंट्री है, मतलब फ्रंट से जो हवा महल का लुक है वो नहीं, बैक साइड, आप दोनों बिल्डिंग को देखिए और देखने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि चार्ल्स कोरिया ने कितना इंस्पिरेशन इन सब बिल्डिंग से लिया। तो ये चीज़ है कि लेकिन उसने जब जेके के बनाई तो उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया मॉडर्न यूटिलिटी के हिसाब से कि भाई ये कल्चरल सेंटर बनाना था, तो वो जंतर मंतर नहीं है, वो हवा महल नहीं है, वो क्या है, वो एक कल्चरल सेंटर है जहाँ की पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, क्राफ्ट, परफॉर्मेंस, म्यूज़िक, सबके एक्टिविटी वहाँ पर होती हैं। तो इस तरह से उसने विजुलाइज किया। तो ये चीज़ है जो कि आपको समझनी पड़ेगी कि ट्रेडिशन जो है उसको समझना पड़ेगा, ट्रेडिशनल जो एडवांटेजेस आर्किटेक्ट्स ने ली उनको हम कैसे ले सकते हैं, और उसमें हमारी खुद की इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, इंडिविजुअल पोटेंशियलिटी होनी चाहिए। हर एक के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट है, तो आप अपने उस टैलेंट को पहचानना है, आपको उस टैलेंट को समझना है, आपको उसको जानना है। अगर आप वो जान लेंगे तो आपका जो वर्क होगा वो यूनिक होगा, नहीं तो आप मैच बॉक्स को एक के ऊपर एक रखते जाइए उस तरह को। ऐसे हमने काफ़ी एक्सपेरिमेंटेशन किए जो कि आप लोग भी कर सकते हो, 2D और 3D के अंदर, सी, परसीव और क्रिएट। हम 30 आवर्स कैसे डिज़ाइन की वर्कशॉप करते हैं, तो जो आप कुछ देख रहे हैं, देखा आपने, परसीव किया, एंड देन यू हैव टू क्रिएट समथिंग, द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको,
कि आपने में से कुछ लोगों ने एलोरा देखा होगा, वहाँ पर एक है स्कल्पचर डांसिंग शिवा का, एक है महिषासुर मर्दिनी का। दुनिया के अंदर कोई भी स्कल्पचर इतना डायनामिक नहीं है। हेलेनिस्टिक पीरियड के स्कल्पचर्स बहुत डायनेमिक हैं, उनका अप्रोच यही था कि वो डायनेमिज्म दिखाना, लेकिन जो डायनेमिज्म नटराज के अंदर है वो दुनिया के किसी स्कल्पचर में नहीं है। अगर आपको इसके बारे में पढ़ना हो तो आनंद कुमार स्वामी ने एक किताब लिखी है डांसिंग शिवा, क्रिश्चियन एंड ओरिएंटल फिलोसफी ऑफ आर्ट, वो आप किताब पढ़िए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचर इन आर्ट। तो आपको ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको मालूम पड़ेगी कैसे नेचर, कैसे हमारे ट्रेडिशन आपको इंस्पायर कर सकते हैं, प्लस योर फीलिंग्स, प्लस योर इमोशंस, प्लस योर पर्सनैलिटी, प्लस योर टैलेंट, प्लस योर क्रिएटिविटी, देन इट विल कम विच विल बी यूनिक। एवरीबडी विल से ओह फैंटास्टिक व्हाट ही हैज डन। तो दैट इज द थिंग, यू हैव टू गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेस। सर इसके साथ ही मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कैसे आर्ट मोमेंट्स एंड डिज़ाइन मोमेंट्स हेल्पफुल हैं, आर्ट मोमेंट्स एंड डिज़ाइन मोमेंट की स्टडीज़ कैसे हेल्पफुल हैं हमारे डिज़ाइन स्टूडेंट्स के लिए। देखिए ग्लोबल बात की जाती है, आज ये नहीं बात की जाती है कि जयपुर में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है, हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, बल्कि बात की जाती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। तो हमारे जो होरिजन से बहुत वास्ट हैं, स्काई इज द लिमिट, और दुनिया में चाहे आपका ओरिएंटल आर्ट हो, ऑक्सीडेंटल आर्ट हो, जापानी, चाइनीज, इंडियन, पर्शियन, कहीं का भी, अमेरिकन, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो आपको वो सारी जो नॉलेज है उस नॉलेज से आपको अपना एक विज़न डेवलप करना है, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, आपकी एक दृष्टि होनी चाहिए समझने की, जानने की। तो वो जापानीज़ है उनकी एक विशेषता है, चाइनीज़ की है उनकी विशेषता है, इंडियन आर्ट की एक विशेषता है, उस यूरोपियन दे वांट टू रिक्रिएट द नेचर, ठीक है, दे वांट टू इमिटेट, लेकिन उन्होंने भी बाद में रियलाइज़ किया कि इमिटेशन इज़ नॉट आर्ट। प्लेटो ने बहुत समय पहले कह दिया था, अरिस्टोटल ने सजेशन दे दिया था कि भाई आपको अगर आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आर्ट इज़ नॉट इमिटेशन बट आर्ट इज़ रिक्रिएटिंग, आर्ट इज़ लाइक गॉड, ईश्वर की जो कमियां रह गई हैं वो भी आर्टिस्ट उसको करेगा। तो जब इन लोगों ने जो क्लासिकल टाइम का जो वर्क है या रेनासा टाइम का जो काम है उसका डेविड मान लीजिए है, किसका, माइकल एंजेलो का, तो वो एक आइडियल फॉर्म है। नेचर ने भी जो हम लोगों में कुछ न कुछ कमी रह जाती है वो सारी कमियों को आर्टिस्ट दूर करता है। और एक बहुत अच्छा इंसिडेंट मैं आपको सुनाता हूँ, माइकल एंजेलो सिस्टाइन चैपल पे फ्रेस्को पेंटिंग, अभी बात कर रहे थे हम फ्रेस्को की, तो इटालियन फ्रेस्को की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर वो जब फ्रेस्को बना रहे थे सिस्टाइन चैपल पे, तो वहाँ का जो मैनेजर था वो हमेशा बहुत परेशान करता था सबको, लेकिन माइकल एंजेलो हमेशा उसको इग्नोर करता था कि ये नहीं हुआ, ऐसा करना है, वैसा करना है, मतलब दुनिया भर की परेशानियाँ वो क्रिएट किया करता था लोगों के साथ। एक दिन वो सुबह ही सुबह आया, देखा माइकल एंजेलो ऊपर काम कर रहा है, वो उसने सिस्टाइन चैपल को देखा और देख के एकदम से उसको शॉक लगा, क्या था कि उसको नर्क के अंदर बैठा दिया था, उस मैनेजर को माइकल एंजेलो ने नर्क में उसका पोर्ट्रेट बना दे, फुल फिगर बना दिया। वो बहुत गुस्सा हुआ, चिल्लाया, गाली देने लगा, माइकल एंजेलो अपना काम कर रहा था, वो ऊपर पेड़ पे बैठा हुआ काम कर रहा था, मतलब उल्टा लेट कर और फिर सीलिंग पे काम किया। तो वहां से वो भागता हुआ पोप के पास गया, तो पोप ने कहा क्या आफत आ गई, क्यों लाल बबूले हो रहे हो, तो उसने कहा कि माइकल एंजेलो ने मुझे नर्क में बैठा दिया। तो पोप ने क्या कहा मालूम है, कि माइकल एंजेलो अगर आपको नर्क में बैठा दिया है तो आपको कोई वहाँ से नहीं निकाल सकता, आप नर्क में ही रहोगे। तो ये आर्टिस्ट होता है, पोप जो मोस्ट पावरफुल पर्सन यूरोप के अंदर, पोप कहेगा तो गर्दन काट दी जाएगी, सारे राजा महाराजा उसके उसमें रहते थे। तो इसीलिए मैं कह रहा था ना कि चर्च जो है या जो आर्किटेक्चर वाजे
सेंटर ऑफ एवरीथिंग, मदर ऑफ ऑल आर्ट्स, क्योंकि चर्च पर ही सारी चीज़ें केंद्रित थी, पोप जो है उसका पावरफुल वो था संरक्षक। तो ये सारी स्थितियाँ हैं। एक बार वो माइकल एंजो काम कर रहा था माइंस के अंदर, उस स्टोन विजुलाइज कर रहा था कौन से स्टोन में काम करूँ मैं, और उसके साथ उसका जो पहले काम शुरू किया हुआ था वो चल रहा था। तो पोप चेंज होता है और उस पोप ने किसी को भेजा मैसेंजर को कि माइकल एंजेलो को बुला लो और वो उससे कुछ काम करवाना है। तो वो आया उसके पास, माइकल एंजेलो ने कहा कि अभी मैं नहीं आ सकता। वो जो मैसेंजर था वो घबरा गया कि ये आदमी तो अब जिंदा नहीं रहेगा। वो गया वहाँ पर, जो ये बात जो ही उसने कन्वे करी पोप को, तो वहाँ पर कई राजा वहाँ के बैठे खड़े थे, उन लोगों ने तलवार निकाल के कहा अभी हम उसको गर्दन उसकी उड़ा देते हैं। पोप ने कहा शांति रखो, वो माइकल एंजेलो है, नेक्स्ट टू गॉड, ही इज द क्रिएटर। जब उसका मूड होगा, जब उसकी इच्छा होगी, तब वो आके काम करेगा। तो ये है आर्टिस्ट, ये है आर्किटेक्ट, ये है स्कल्प्टर, ये है डिजाइनर। सो यू शुड बी प्राउड ऑन यू, बट यू हैव टू क्रिएट, यू हैव टू क्रिएट समथिंग यूनिक स्पेशल। बिल्कुल, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इसी मिजाज के हैं। और सर आप भी मुझे माइकल एंजेलो से कम नहीं लगते हैं, कि आप में इतनी एनर्जी है कि आप इस उम्र में भी और इतना काम करने के बाद भी कैसे स्टूडेंट्स के लिए सर्व करना चाहते हैं, मतलब कैसे आप, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इंस्पायर करती हैं कि आप स्टूडेंट को अभी भी अपने नॉलेज से, अपने काम से अवगत कराना चाहते हैं? देखिए, सोसाइटी ने हमें बहुत दिया है, जन्म लेने से अभी तक सोसाइटी ने बहुत कुछ दिया है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम इन्जॉइंग एवरी डे, तो मुझे भी तो कुछ देना है। सोसाइटी ने मुझे दिया है तो मुझे भी तो सोसाइटी को कुछ देना है।